बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। इरफान सोलंकी प्रकरण में नई चीज सामने आई है। बता दें एसपी विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ गई है मुश्किलें। पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। बांग्लादेशी नागरिकों से 2-2 पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं और पुलिस ने कई आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। एमएलए हैं इरफान सोलंकी, जिन्होंने इन सभी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। पार्षद ने इन सभी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, खुलासा पुलिस ने किया है। कई देशों की विदेशी करेंसी भी इन लोगों से बरामद की गई है। पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की भी कर चुके हैं ये यात्रा। इसके अलावा कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, मार्तंड सिंह लखनऊ से हैं। सबसे पहले राहुल आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बड़ी मुश्किलें बन सकती है इरफान सोलंकी की, क्या कुछ खबर आई है सामने? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरीके से परसों रात को कानपुर पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार किया है, मेन एक्यूज्ड जिसमें रिजवान है जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है, 2016 से कानपुर में निवास कर रहा है। इसने कानपुर के ही मूलगंज की रहने वाली हिना से शादी करी थी। हिना से शादी करने के बाद ये उसको बांग्लादेश ले गया था बिना पासपोर्ट के, दूसरे रास्तों से, जिसके बाद फिर ये कानपुर वापस लौट आया। अपने को डॉक्टर बताता है, जबकि इसके पास एमबीबीएस की भी कोई डिग्री निकल के सामने नहीं आई है। हाँ, एक लैपटॉप पुलिस को मिला है, जिसकी अब जांच शुरू हो रही है, पुलिस जांच करेगी। मैं आपको बताता चलूं कि जो पासपोर्ट है, इसके पास 3 पासपोर्ट मिले हैं, तीनों पासपोर्ट फर्जी हैं। इसके जो आधार कार्ड मिले, तीनों आधार कार्ड अलग अलग पते से हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ही संदिग्ध है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है ये सेंसिटिव माना जाएगा। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी मार्तंड भी जुड़े हुए हैं। मार्तंड, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई है, एसपी के विधायक इरफान सोलंकी का नाम इसमें सामने आ रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से सर्टिफिकेट कई लोगों को दिया गया है, यानी कि उनको जानते थे, पहचानते थे, क्या पुलिस जो है अब उनसे भी पूछताछ कर सकती है? मार्तंड, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? पहले भी कई बार विवादों में ये नाम आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी जी बताइए। जी देखिए, इरफान सोलंकी ये पहली बार नाम विवादों में नहीं आया है, लगातार ये नाम विवादों में रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, और सरकार जाने के बाद भी इरफान सोलंकी का नाम विवादों से अलग नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक महिला के घर पे कब्जा करने और उसमें आग लगाने का आरोप इरफान सोलंकी पर लगा और वो उसके बाद लगातार फरार रहा, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये जो नया खुलासा सामने आया है कि जिस तरीके से एक जो सर्टिफिकेट दिया गया इरफान सोलंकी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि जो ये रिजवान है, जो कि डॉक्टर रिजवान के नाम से कानपुर में रह रहा था, में यहां पे उसने जो है खालिद नाम का एक शख्स है जिसकी बेटी से शादी की थी, और उसके बाद उसको जब चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो इरफान सोलंकी के द्वारा वो चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि ये भारतीय हैं, उसी के आधार पर उसने तमाम दस्तावेज बनाए, यही नहीं पासपोर्ट तक बनवाया। उस पासपोर्ट पे जो है उसने अमेरिका के साथ साथ बैंकॉक और अन्य देशों की यात्रा भी की। आपको बताएं कि पुलिस ने जब इन डॉक्टर रिजवान को गिरफ्तार किया, इसके साथ जो इसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया, तो इनके पास करीब 25 लाख के आसपास के सोने के जवाहरात मिले, बिस्किट मिले, और साथ ही साथ 14.5 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, $1,000 जो है वो के रूप में नकदी भी बरामद हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, और अब जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी ये जानकारी सौंप दी गई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ATS है, इन सबको भी जानकारी सौंपी गई है। और अब जो है इसमें जो है जिस तरीके से इरफान सोलंकी जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, इरफान सोलंकी का नाम आया है, और साथ ही साथ पार्षद मन्नू रहमान का भी नाम आया है जिसके द्वारा सर्टिफिकेट गया, तो इन दोनों को भी आरोपी बनाया जा सकता है और इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी, पुलिस ने इनके पास से क्या कुछ बरामद किया है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी
जी बिल्कुल, देखिए इनके पास से अगर कैश की बात की जाए तो 14.5 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो है जाली पासपोर्ट, बांग्लादेश का पासपोर्ट भी इनके साथ था, पूरे परिवार का पासपोर्ट इसने बनवा रखा था। और यहाँ पे जो है 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें रिजवान खुद, इसकी पत्नी हीना और ससुर खालिद और इसकी बेटी शामिल है। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से इनके पास जो करीब 25 लाख के आसपास का जो है जेवरात मिले हैं, साथ ही साथ सोने के बिस्किट भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से यहाँ पर रह रहा था और पहचान छुपा के रह रहा था, इसकी जानकारी पुलिस को हुई थी कि बांग्लादेश से कुछ शख्स जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है पहचान छुपा कर रह रहे हैं। उसके बाद जो ये दबिश दी गई, जिसमें ये जब पकड़ा गया तो इसके पास से पूछताछ में ये जो खुलासा हुआ है कि इरफान सोलंकी और जो पार्षद मन्नू रहमान है, इनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट दिया गया, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर इन्होंने पासपोर्ट तक बनवाया और तमाम वो दस्तावेज जो कि एक नागरिकता के लिए जरूरी होता है भारत में रहने के लिए, वो सारे दस्तावेज बनवाए। तो कहीं ना कहीं अब जो है जांच एजेंसियां उनके कान खड़े हुए, जानकारी सामने आने के बाद इसकी जानकारी एटीएस के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी दी गई है। और आपको बता दें कि अब जो है पुलिस जो है इरफान सोलंकी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बना सकती है। जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इनके पास दस्तावेज बरामद हुए हैं, इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये है कि अब जो है सेंट्रल एजेंसियां भी इसमें शामिल होंगी, वो भी जो है इस तरीके की जांच करेंगी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ रही है, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था, क्या इन्होंने किसी वारदात को भी अंजाम दिया है, क्योंकि इलीगल तरीके से रह रहे थे। बहुत सारे इनके पास जो है आधार कार्ड मिले हैं, बहुत सारे इनके पास पासपोर्ट मिले हैं, तो ये किस किस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहे हैं, क्या पुलिस ने इनका बैकग्राउंड छाना है। मैं इनको पेश किया है तो जाहिर सी बात है, अब ये जो सवाल है क्या इनके मंसूबे थे, क्यों ये 2016 से यहाँ रह रहे थे, कौन कौन से देश, क्योंकि पाकिस्तान की ये भी यात्रा करी है इसने, बांग्लादेश की करता ही था, नेपाल की यात्रा करी है, सिंगापुर की यात्रा करी है, तो ये ऐसे कई सवाल हैं, मंसूबे क्या थे, जिस तरीके से विदेशी करेंसी मिली है, जिस तरीके से सोना मिला है, तो अब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी ये सवाल पूछेंगी। तो कहीं ना कहीं आज न्यायालय के सामने कानपुर पुलिस अपना पक्ष रखेगी और इनके परिवार की और मेन अभियुक्त रिजवान की रिमांड की मांग करेगी, जिसके बाद से ही ये सवाल सामने आ सकेंगे, क्योंकि कब से रह रहा था, क्या मंसूबे थे, ये बड़े सवाल है। इसके अलावा बड़ा विषय है तो जो मंशा क्या थी यहाँ पर इलीगल तरीके से रहने की, क्या इनकी मंशा थी पाकिस्तान जाकर के चक्कर काटने की, वहां जाने की, वहां की यात्रा करने की, क्यों इन्होंने इतने सारे जो है आधार कार्ड रखे, इतने सारे पासपोर्ट रखे। राहुल, मार्तंड, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।